On the 8th of June 2020, the media team visited the village of Rahandek in which the damage caused by the recent rains was assessed. A link road which is located at National High Jammu Poonch has been damaged. Mohalla Landi Ward No. 5 leads to the work of this road was started in March 2018 which has a length of 3 km and it was made walkable but due to the rains it was very damaged with. Of media, Deputy Commissioner Poonch appeals to Mr. Rahul Yadve to include this road in a project so that the problems of the people can be solved. गुलाम रसूल है, मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील सुनकोर गांव धंधा का रहने वाला हूं। मैं यहां का सोशल एक्टिविस्ट हूं और हमें आज यहां पर मीडिया को इसलिए बुलाना पड़ा कि हम इस गांव धुंधक के अंदर एक बहुत दूर दराज इलाका के रहने वाले हैं। नेशनल हाईवे टू महल्ला लुंडी एक ट्रैक्टर रोड जो गुज़श्ता साल एक कटिंग हुई थी, अर्थ कटिंग, आज वो इस पानी की वजह से, इस नाले की वजह से डिमेज हो चुकी है। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारी इस रोड को किसी अच्छे प्रोजेक्ट में डालें और हमारी इस आवाम की हौसला अफजाई करें ताकि हमारा ये रास्ता हमवार हो जाए। हम आज भी 1947 की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों तक गए हैं, कॉलेज और बड़े अच्छे अच्छे अहदे पर हैं आज, लेकिन बदकिस्मती से हमारे घरों में, हमारे गाँव के अंदर बुनियादी सहूलियात जो रोड है वो नहीं है और हमारी इस रोड को बहाल किया जाए ताकि हम अपनी आने वाली नस्लें एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील सुरनकोट गाँव धुंधक का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 5 में जो हमारी मेन हाईवे से ये रोड बनी थी पिछले साल मार्च में, तो इसमें अभी जो बारिश की वजह से ये फुल डैमेज हो चुकी है। कोई रास्ता नहीं है हमारे चलने के लिए, 2 घंटे लगते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए। तो अभी हम जो भी हमारे खेत जो है इधर ही आ गए हैं, तो हम यहाँ से उठा के कांधे पे ले जाते हैं जो भी चीज़ हमें ऊपर ले जानी होती है। तो हमारा ये ड्यूटी कमिश्नर पूंछ से और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल से ये मुतालबा है कि हमारी इस रोड को जल्दी से जल्दी किसी प्रोजेक्ट में डाला जाए और हमें इसकी जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाए। मैं इसी गाँव धुंधक के वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूँ। तो ये नेशनल हाईवे से ऊपर मतलब 3 किलोमीटर हमारी जो आबादी है वो इस नेशनल हाईवे रोड पे मतलब मुंसलिक है, जिस मतलब ये पूरा डैमेज हो चुकी है इस बारिश की वजह से मतलब, और हमें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, हर काम काज में प्रॉब्लम होती है। यहाँ से अगर देखा जाए ऊपर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफ़र है जिसमें आधा घंटा हमें चढ़ने में लगता है। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारी इस रोड को मतलब किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाला जाए जिससे मतलब इसकी तमीर मतलब अच्छी तरीके से हो और मतलब आइंदा तक ये बाहर रहे बिल्कुल। ये मतलब बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं ऐसे जो यहाँ से सुरनकोट कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट कॉलेज पूंछ तक मतलब जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से ऊपर से आने में 1 घंटा 1.5 घंटा उन्हें यहाँ से वक्त जो लगता है और वो मतलब अपने अगले मकाम तक बहुत ताहिर से पहुँचते हैं, मतलब उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। हमारा यही मैसेज है कि हमारे इस काम को जो है बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए ताकि हमारा ये काम आने वाले वक्त में मतलब बाहर रहे। मौलवी फैज़ अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील सुरनकोट के गांव धुंधक का एक बाशिंदा हूं। मैं यहां पे जो आज आपके सामने खड़ा हूं, कुछ मजबूरियों को लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। हमारी ये रोड आज से तकरीबन 1 साल पहले मार्च के महीने में इसका काम शुरू हुआ था और ये रोड जो है तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये काम था। ये शुरू में जो है चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो हमारे MLA साहब हैं उन्होंने इसके अंदर हमारे बहुत बड़ा तावन किया और उन्होंने बहुत सारे काम किए भी और ये काम भी उन्हीं के ज़रिए हुआ था। तो ये काम जो है पंचायत के डिपार्टमेंट के ज़रिए हुआ है। ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर रोड जो निकली है, तो ये धुंधक जो महल्ला लुंडी वार्ड 5 की है, जो शुरू में नेशनल हाईवे से शुरू होकर के ऊपर तकरीबन टॉप पर जाती है, यहाँ नीचे तो पता नहीं चलता है, ऊपर जाकर बहुत बड़ी आबादी है जो इस सड़क से मुंसलिक है। सर मजबूरियाँ तो बहुत बड़ी हैं, मगर जो सबसे बड़ी मजबूरी हमारी ये है कि ये रोड जो है इसके ऊपर ट्राली वगैरह जो चल रही थी, ये रोड तकरीबन कुछ दिन पहले तक
इस ये जो बारिशें हुई हैं, इन बारिशों की वजह से जो है ये रोड जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। नाले के अंदर से नाला पड़ करके ये रोड डैमेज हो चुकी है। अब हमारी सबसे बड़ी मजबूरियाँ ये हैं कि हमारी ज़मीनें जो है ऊपर हम रहते हैं, मगर हमारी ज़मीनें जो हैं वो सड़क से नीचे भी हैं। यहाँ से हमें अपना घास पानी जो कुछ भी है ये हमें ऊपर ले जाना पड़ता है, जो हम अपने कंधों के ऊपर सवार करके ले जाते हैं। और फिर जो है घरों के अंदर औरतें और मर्द जब प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं खासकर, वो जब बीमार होती हैं तो उनको हमें कंधों के ऊपर सवार करके लाना पड़ता है, जिसकी वजह से रास्ते के अंदर कई मरतबा हादसात भी हो जाते हैं। बुजुर्ग, हमारा यही मैसेज है कि हमारी ये जो रोड ख़राब हुई है पानी नाले की वजह से, मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी अपील है आपके चैनल के ज़रिए कि वो हमारी इस रोड की तरफ तवज्जो दें, और ताकि